साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसटी ऑनलाइन शाला। साथियों, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर एवं अध्यापन समय सारणी जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में जानते हैं कि प्रत्येक माह के लिए क्या समय सीमा है और कौन कौन सी प्रस्तावित गतिविधियाँ हैं। तो यहाँ जून के लिए है 16 जून 2022 से 30 जून 2022 शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन। माह जून तृतीय सप्ताह में सर्वेक्षित बच्चों का कक्षा में 100% नामांकन, कक्षावार उपलब्धि स्तर की जांच प्राथमिक स्तर तक, शिक्षकों के लिए आवश्यक क्षमता विकास, माहवार लर्निंग आउटकम का निर्धारण, पाठ्यक्रम की इकाई एक का अध्यापन, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन कर बैठक का आयोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक गणवेश वितरण, वृक्षारोपण की तैयारी करना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। तो इसी प्रकार प्रत्येक माह के लिए प्रस्तावित गतिविधियां यहां पे दिया गया है। दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हाल में इसे स्किप करके आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ अध्यापन समय सारणी क्या दिया गया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन में, कक्षा अध्यापन समय सारणी प्राथमिक स्तर के लिए 6 दिनों के लिए दिया गया है। प्रार्थना 10 मिनट का, इसके पश्चात पहला कालखंड 60 मिनट का, द्वितीय कालखंड 60 मिनट का, इसके बीच में 10 मिनट का लघु अवकाश है। फिर तीसरा कालखंड में निम्नलिखित गतिविधियां कराना है, जैसे कि सोमवार के लिए भारतीय संस्कृति कला पर्यावरण के संबंध में शिक्षक द्वारा प्रारंभिक चर्चा एवं छात्रों से विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी के संबंध में सहभागिता। मंगलवार के लिए है सामान्य ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा। बुधवार योगाभ्यास के लिए के लाभ प्रकार एवं प्रदर्शन। गुरुवार समस्त छात्रों द्वारा घटना विशेष पर अभिव्यक्ति। शुक्रवार के लिए है शिक्षक द्वारा श्रुत लेखन एवं त्रुटियों का निराकरण एवं सुसंगत तथा सुस्पष्ट लेखन हेतु प्रेरणा। शनिवार के लिए है कलात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधि अंतर्गत हस्तकौशल, मॉडल, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चर्चा एवं अभिव्यक्ति। इसके पश्चात है मुख्य अवकाश भोजन अवकाश 30 मिनट का, फिर है 60 मिनट का चतुर्थ पीरियड, फिर 10 मिनट का लघु अवकाश और फिर अंतिम पीरियड 60 मिनट का। टिप में दिया गया है प्रार्थना के साथ 10 मिनट का समय, समाचार, प्रमुख दिवस, जयंतियों, सूक्तियों का वाचन विद्यार्थियों द्वारा कराया जाए। दूसरा है प्रत्येक सप्ताह शनिवार को अंतिम कालखंड में बाल सभा, योग एवं क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन किया जाए। तो यह है दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए। अब देखते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर के लिए। तो प्रार्थना इसमें भी 10 मिनट का है, पहला पीरियड 50 मिनट, दूसरा 50 मिनट, फिर 10 मिनट का लघु अवकाश, तीसरा पीरियड भी 50 मिनट का, फिर चौथा पीरियड में सोमवार के लिए गतिविधियाँ हैं भारतीय संस्कृति कला पर्यावरण के संबंध में शिक्षक द्वारा प्रारंभिक चर्चा एवं छात्रों से विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी के संबंध में सहभागिता, जैसे कि हमने प्राथमिक विभाग के लिखे थे सेम यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है मुख्य अवकाश मध्यान्ह भोजन का 30 मिनट का रहेगा, फिर पांचवा पीरियड 40 मिनट का, षष्टम 40 मिनट का, फिर 10 मिनट का अवकाश है और फिर सप्तम पीरियड 40 मिनट का। यहाँ पर टिप में भी सेम दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए। तो इसमें प्रथम पीरियड में इकाई परीक्षा कक्षा 9 से 12 सोमवार को इकाई परीक्षा लेना है। फिर दूसरा पीरियड रहेगा नेक्स्ट लघु अवकाश 10 मिनट का, फिर तृतीय पीरियड, चतुर्थ पीरियड 20 मिनट का, जिसमें ये सभी गतिविधियां प्रस्तावित है। नेक्स्ट मुख्य अवकाश 30 मिनट का, फिर पंचम षष्ठम पीरियड, फिर 10 मिनट का अवकाश, इसके पश्चात सप्तम और अष्टम पीरियड। और यहाँ भी टिप दिया गया है प्रार्थना के साथ 10 मिनट का समय, समाचार, प्रमुख दिवस, जयंतियों, सूक्तियों का वाचन विद्यार्थियों द्वारा कराया जाए। प्रत्येक सप्ताह शनिवार को अंतिम कालखंड में बाल सभा, योग एवं क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन किया जाए।